आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश अब पूरा भगवामय हो चुका है। दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है। जो योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल है वो भी ऐतिहासिक है। कई नए चेहरे को जगह दिए गए हैं तो कई पुराने लोगों को जगह नहीं मिला है। और अगर बात किया जाए जो अहम पुराने चेहरे जिनको जगह नहीं मिला है, उसमें जो दिनेश शर्मा है डिप्टी सीएम वो भी शामिल है। सिद्धार्थनाथ और श्रीकांत शर्मा भी बाहर हो चुके हैं मंत्रिमंडल से। तो इस बार का जो मंत्रिमंडल है इसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 को भी साधने की पूरी कोशिश है, ये पूरी तैयारी है। जिस तरह से कहा जा रहा था 2024 तो झांकी है, 2027 अभी बाकी है। तो उसको देखते हुए ये प्रतीत हो रहा है कि यह पूरी तैयारी जो भारतीय जनता पार्टी की है वो आगे की है। और शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो चुका है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ शशिकांत पांडे जी मौजूद है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशिकांत जी। योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है, ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो चुका है। दिनेश शर्मा को मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली, हालांकि ये कहा जा रहा है कि शायद उन्हें संगठन में कोई जगह मिले। किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, ऐसी चर्चा है कि शायद कुछ लोगों को, सभी को तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को जिनको सरकार में स्थान नहीं मिला है उनमें उन्हें संगठन में स्थान दिया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष की भी कुर्सी खाली है। इसके अलावा कुछ अन्य जो संगठन के महत्वपूर्ण दायित्व है हो सकता है कि इन नेताओं को दिए जाए, इसलिए हमें अभी इंतजार करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से दिनेश शर्मा जी कैबिनेट का हिस्सा थे और एक ब्राह्मण चेहरा थे और उनकी जगह पर उन्होंने जो है एक ब्राह्मण चेहरे से ही उनको रिप्लेस किया और ब्रजेश पाठक जी को जो है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर वो ले आए हैं। शशिकांत जी, लगातार जिस तरह से एक आरोप लग रहा था भारतीय जनता पार्टी पर विकास दुबे हत्याकांड के बाद, खुशी दुबे का जो भी मामला था उसके बाद, कि पंडितों को अहमियत नहीं दी गई है सरकार में, क्या उसको ये कवर अप करने के लिए, ब्राह्मणों के जो जगह नहीं मिली जो लगातार ब्लेम लगा उसको कवर अप करने के लिए ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है? या फिर उनका जो कार्यकाल था, उन्होंने अपने कार्यकाल में कोरोना के दौरान उन्होंने बहुत मदद की है लखनऊ वासियों के, आसपास के लोगों की भी, अपने सरकार के भी से भी वो खासा नाराज नजर आए, उसके बाद अब उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, एक बड़ा प्रमोशन हुआ है उनका। जी, निश्चित रूप से उनका एक बड़ा कद रहा है और ब्रजेश पाठक एक लोकप्रिय नेता रहे हैं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम का हिस्सा नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी में बसपा से शामिल हुए थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों में वह एक बड़े नोन फिगर थे और हमेशा वो अखबारों के पन्नों में दिखाई देते थे और वो अपने अपनी गतिविधियों की वजह से भी वो लोगों में लोकप्रिय भी थे, उनके अपने कार्यों की वजह से कोरोना काल में भी। और कहीं ना कहीं एक ब्रजेश पाठक का एक बड़ा कद है, एक जनाधार भी है उनका और ब्राह्मण समाज में भी लोकप्रिय है, तो इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्वपूर्ण जो है जो एक ब्राह्मण फेस को एक की पोजिशन देने की कोशिश की है। और केवल ब्राह्मण समाज से ही नहीं, अगर आप कैबिनेट को देखेंगे तो लगभग उनकी कोशिश ये है कि हर वर्ग को साधने का प्रयत्न है। इसमें आपको युवा भी दिखाई देंगे, युवा के साथ ही साथ अनुभवी लोग भी दिखाई देंगे, इसके अलावा सभी क्षेत्रों से और समाज के सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। और निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है और उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य होने के नाते केंद्र की राजनीति में भी बहुत मायने रखता है। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस कैबिनेट का गठन किया है, इस मंत्रिमंडल का गठन किया है। जी, अगर बात नए चेहरों की किया जाए, जिन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी है, तमाम नए चेहरे हैं, लेकिन बात अगर असीम अरुड़ की करें, 1994 बैच के आईपीएस से असीम अरुड़ और इत्र की नगरी कन्नौज से वो जीत दर्ज किए थे, उन्होंने जो वीआरएस लिया उसके बाद उन्होंने वो चुनाव लड़े, उन्होंने जीत दर्ज किया और उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गया है। तो जिस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने जीत दर्ज करके, राजेश्वर सिंह ने भी शपथ लिया है आज योगी सरकार 2.0
के मंत्रिमंडल के लिए, तो जो ये बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सरोजिनी नगर से राजेश्वर सिंह ने जीत दर्ज की थी। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी में प्रशासनिक अधिकारियों के मंत्रिमंडल के हिस्सा होने की बात है, तो अगर आप केंद्र के भी मंत्रिमंडल देखेंगे योगी जी का, तो उसमें भी जो है वो हरदीप पुरी है या अन्य जनरल आर्मी चीफ जो वीके सिंह है वो पहले भी रहे हैं और मंत्रिमंडल का हिस्सा बनते रहे हैं, तो यह कोई नई बात नहीं है। तमाम जो है नौकरशाह जो है वो अपनी नौकरी की इनिंग पूरी करके या अगर कुछ समय पहले भी वो राजनीति में आते रहे हैं, और असीम अरुण के चुनाव में लड़ने के समय में ही एक संदेशा था कि उनको जो है, क्योंकि वो एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर होने के साथ ही साथ वो एक जाटों समाज के भी चेहरे हैं, उस वर्ग से आते हैं, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम जो है जो एससी कम्युनिटी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो नान जाटो दलित कम्युनिटी में पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पैठ हो चुकी थी, और इस बार उनकी पूरी कोशिश थी, इसी उद्देश्य से उन्होंने बेबी रानी मौर्या को भी जो है जो कि उसी समाज से आती है, उन्हें पहली बार ही विधानसभा का चुनाव जीतने पर, हालांकि वो गवर्नर रही थी, कैबिनेट मंत्री का के पद से सुशोभित किया है। तो ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम अपने दल का जो विस्तार है वो समाज के सभी वर्गों में करें, और उसी कवायद के तहत ही उन्होंने पहले बीबी रानी मौर्य को और उसके बाद जो है इसी मंत्रिमंडल में अपने असीम अरुण को भी शामिल करने की कोशिश की। जी बिल्कुल शशिकांत जी, जिस तरह से इस बार मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है, इक्वली सभी वर्ग को हिस्सा दिया गया है, चाहे वो अगर बात युवा चेहरे की भी किया जाए, महिलाओं की बात किया जाए, तो गुलाब देवी को भी हिस्सा बनाया गया है, बेबी रानी मौर्य जो सातवीं राज्यपाल थी उत्तराखंड की उन्हें भी हिस्सा दिया गया, सभी वर्ग को हिस्सा दिया गया। और अगर बात किया जाए आशीष पटेल की, तो आशीष पटेल ने भी आज शपथ लिया है, जो अनुप्रिया पटेल उनकी जो पत्नी है वो पहले से केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया, तो किस तरह से अब आगे की रणनीति को आप देखते हैं? क्योंकि शपथ जो इस बार मंत्रिमंडल का शपथ रहा वो बेहद ही अलग रहा, बेहद ही चुनिंदा रहा, तो किस तरह से आप देखते हैं आगे की रणनीति को? देखिए, जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, अपना दल जो पटेल सोनीलाल पटेल जी का जो की जो पार्टी रही है और जिसको अनुप्रिया जी लीड करते हैं, उनके पति आशीष पटेल को कैबिनेट में स्थान मिला है, और इसी तरह से संजय निषाद जी जो निषाद पार्टी से आते हैं उन्हें भी कैबिनेट में स्थान मिला है। ये लाजमी था, दोनों दल जो है वो सरकार के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और पार्टी के अपने अपने दलों के मुख्य चेहरे थे, इसलिए इन्हें कैबिनेट में स्थान मिलना था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा था, और इन दोनों पार्टियों के साथ अलायंस में पार्टी ने विशेषकर पूर्वांचल में जो है वो अच्छा परफॉर्म भी किया था, इन पार्टियों ने भी ढेरों सीटें जीती, तो उन्हें कैबिनेट में स्थान मिलना ही था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश कर रही है कि हम समाज के जो सभी वर्गों में मैं अपनी पैठ बनाए, और उसी कवायद का हिस्सा है, और उन्होंने जो निषाद समाज को संजय निषाद जो रिप्रेजेंट करते हैं, या जो पटेल समाज से अनुप्रिया जी आती हैं, या अपना दल पार्टी है, तो उनकी पूरी की पूरी कोशिश है कि जो इस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन को हम जो है अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, और उसी के तहत उन्होंने इनके साथ अलायंस किया था। आगे भी 2024 के चुनाव में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद यह अलायंस बना रहे, क्योंकि पार्टी का ग्राफ जब ऊपर जाता है तो जो उसके एलाइज हैं उन्हें संभावना भी रहती है कि हमें कुछ मिलेगा, इससे उस अलायंस के बने रहने की भी संभावना होती है, और जीत भी दर्ज की है, पहले से ज्यादा सीटें हासिल की है, जो इनकी जो दोनों गठबंधन की पार्टी थी, हम अपना दल और निषाद पार्टी की बात कर रहे हैं, अपना दल एस और निषाद ने इस बार बढ़त भी बनाया है, पहले से ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत कर इस बार ये लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन ही है इनके लिए। बिल्कुल, चूंकि इन दलों ने जो है पहले से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, ज्यादा सीटों की मांग की, और भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट बेस ऑलरेडी उन जगहों पर रहा है, और इन पार्टियों की उन सीटों पर चुपकी पकड़ रही है, उनकी जिस बिरादरी को ये रिप्रेजेंट करती है उन सीटों पर वो चुनाव लड़ी, तो दोनों के जो वोटर्स थे स्वाभाविक है कि दोनों एक मंच पर आए, और उसका परिणाम जो है रिजल्ट में देखने को मिला, और दोनों ही दलों ने जो है बहुत बेहतर परफॉर्म किया, तो
शायद इसी के रिवार्ड के तौर पर संजय निषाद जी को और आशीष पटेल को कैबिनेट में स्थान मिला है। और ये कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की कि जिन समाजों का यह प्रतिनिधित्व ये पार्टियां करती हैं उन उस वह समाज उनके साथ जुड़ा रहे ताकि वो 2024 में भी इस सफलता को जो है दोहरा सके। जी शशिकांत जी, अभी जो बधाइयों का दौर है वो जारी हो गया है लगातार शपथ ग्रहण के बाद। अभी अखिलेश यादव ने भी बधाई का ट्वीट किया, जो हालांकि ये वक्त है कि हम बात करें मंत्रिमंडल का, लेकिन हम बात करेंगे क्योंकि अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया है, उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी है। विपक्ष ने भी एक कड़ी टक्कर दी है इस बार, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? हालांकि जो आमंत्रण दिया गया था, आमंत्रित किया गया था, पर तो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो है जिस तेजी से उसका ग्राफ बढ़ा, वो डबल डिजिट की पार्टी होने के थी, 47 सीटें उसको पिछली बार मिली थी और इस बार उसने जो है उसमें काफी बढ़ोतरी की और वो 100 से ऊपर जब पार्टी गई, तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है अगर उसे उसके पिछले परफॉर्मेंस को देखा जाए। लेकिन वह सरकार बनाने से काफी दूर रही, हालांकि ऐसा लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुत कड़ी टक्कर दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह अपने आप में एक बड़े लंबे समय के बाद यह बाइपोलर चुनाव हो गया और यह चुनाव इस कारण से भी याद किया जाएगा कि बसपा जो है लगभग इस चुनाव में जो पार्टी की कई बार सत्ता में रही और मायावती लगभग 4 बार मुख्यमंत्री रही प्रदेश की और वो पार्टी एक सीट पर सिमट गई, तो निश्चित रूप से यह जो दलित राजनीति है उत्तर प्रदेश में उसके लिए भी यह एक विचार का समय है कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि जो वोटर है, जो उसका कोर जो वोटर हुआ करता था बसपा का, उसका इतना बड़े पैमाने पर मोह भंग हुआ और वह वोटर छिटक करके काफी संख्या में भाजपा के साथ और समाजवादी पार्टी के साथ गया। और यही कारण है कि हम देखते हैं कि दोनों ही दलों का जो परसेंटेज ऑफ वोट है वो बढ़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी एक बड़े प्रतिशत पर पहुंच चुकी थी, 2017 में वो 40% से ऊपर थी, तो उसके में तो 1 से 2% के बीच में वृद्धि हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी में लगभग 10% से ज्यादा जो है उसके वोटों में वृद्धि हुई जी। और वो वोट जो है कहीं ना कहीं जो बसपा का वोटर था और प्लस जो कुछ अन्य समाजों के भी वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुए और ये इसलिए जो है समाजवादी पार्टी भी इतना आगे बढ़ पाई इस चुनाव जी। मोहसिन रजा को हटाकर दानिश आजाद को इस बार मंत्री पद का शपथ दिलाया गया, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, किस तरह से देखते? हालांकि मोहसिन रजा ने भी अच्छा कार्य किया अपने कार्यकाल में, वो कई मुद्दों को लेकर मुखर रहे, हमेशा से वो दिखते रहे, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? जी, मोहसिन रजा एक पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के विजिबल फेस रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में यह कोई नई बात नहीं है, शायद पार्टी उन्हें कहीं आगे जो है वो किसी अन्य दायित्व में के दे करके उन्हें सामने लाए, हो सकता है वो अच्छा बोलते भी है, उन्हें पार्टी प्रवक्ता बनाया जाए, किसी अन्य पद पर भी पार्टी उन्हें ला सकती है। और जो दूसरे जो दानिश अंसारी को जो पार्टी ले आई है उसके माध्यम से एक जो मुसलमानों में जो पसमंदा समाज है उस समाज को भी एक एड्रेस करने की कोशिश की गई है, वो एक बड़ा समूह है और ऐसा कहा जा रहा है कि इस चुनाव में जो है जो मुस्लिम जो पसमंदा समाज है उसका जो है काफी बड़ी संख्या तो नहीं कहेंगे लेकिन एक रीजनेबल जो है वोट जो है भाजपा जो है इस बार उसका पाने में कामयाब रही है। और जो थोड़ी जानकारी जो उनके बारे में मिल पाई है कि शायद वो लंबे समय से इस पार्टी से जुड़े रहे हैं, शायद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बात का जो है वो उन्हें रिवार्ड मिला हो और एक नया चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनके रूप में लाने की कोशिश की है। शशिकांत जी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी हालांकि वो चुनाव हारे थे, माता प्रसाद पांडे से ही हारे थे, अपने ही राजनीतिक गुरु से चुनाव हारे थे, उनको क्या कुछ संगठन में जगह दी जा सकती है क्योंकि वो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं? हालांकि जो एक युवा वर्ग है उनसे नाराज था, शिक्षक अभ्यर्थी उनसे नाराज नजर आ रहे थे, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना है? क्या उनको कोई जगह मिल सकती है अब संगठन में या फिर वो कार्यरत रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक चीज देखने को मिलती है कि पार्टी में कहीं ना कहीं एक अनुशासन है और उसमें यह कई बार
एक इतने बड़े दल को जिसके कि इतने ढेर सारे विधायक जीत करके आते हैं, तो यह संभव नहीं हो सकता कि सभी को वह पार्टी चाहे तो सभी को स्थान दे दे। आप देखिए कुछ दिनों पहले मोदी जी ने अपने कैबिनेट में रिशफल किया और उनके बड़े कद्दावर मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर या फिर अन्य और भी कई मंत्री थे, रविशंकर जी और ऐसे तमाम लोगों को जो है वो कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। लेकिन तो केशव प्रसाद मौर्य सराथू सीट से वो भी चुनाव हारे थे और बेसिक शिक्षा मंत्री थे, अगर बात की जाए सतीश चंद की, तो उसके बाद उन्हें जगह नहीं मिली, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्योंकि उन्हें डिप्टी सीएम अपने पद पर वो बने रहे केशव प्रसाद मौर्य, और सतीश द्विवेदी जो बेसिक शिक्षा मंत्री है वो नहीं बने रहे, तो कैसे देखते हैं आप इसको, क्योंकि चुनाव दोनों हारे हैं? जी देखिए, ऐसा है कि केशव प्रसाद मौर्य और सतीश द्विवेदी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पार्टी में एक बड़े नेता की उनकी छवि है। आज की डेट में वो 5 साल उप मुख्यमंत्री रहे थे और जो उससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में पार्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, और जो जो पिछड़ा समाज आता है, जो बैकवर्ड कास्ट जो है उत्तर प्रदेश में, वो उसके एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उनके वो नेता के तौर पर भी वो अपने को स्थापित कर चुके हैं। स्वाभाविक है कि उनके उस कद को का ध्यान रखा पार्टी ने और उनके माध्यम से हालांकि पिछड़े समाज के सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उसमें जो केशव प्रसाद मौर्य का जो कद है वह निश्चित रूप से ऊंचा कद है, और शायद यही कारण है कि पार्टी ने हार और जीत के पैमाने पर उनको नहीं कसा, उनके कद को देखते हुए उन्हें स्थान दिया गया और शायद उन्हें जो है वो उप मुख्यमंत्री की सीट पर उन्हें ले आया गया। वो बात हम सतीश द्विवेदी के साथ नहीं देखते, फिर सतीश द्विवेदी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी रही थी और इस ये सब भी कारण है, और प्लस वो चुनाव चूंकि हार गए थे, और यह केवल एक सतीश द्विवेदी की बात नहीं है, तो लगभग 21-22 लोग जो है वो मंत्रिपरिषद से हटाए गए हैं। तो ऐसे में जो ऑलरेडी जो मंत्रिपरिषद का हिस्सा थे, चुनाव जीते हैं और उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तो ये कोई अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव हारने के बाद वो उसे कैबिनेट में स्थान न मिले। शशिकांत जी, महिलाओं की भागीदारी को आप कैसे देखते हैं इस मंत्री योगी सरकार 2.0 मंत्रिमंडल में, आप महिलाओं की भागीदारी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, महिलाओं का यह दुर्भाग्य है कि पार्टियां जो है बातें बहुत करती हैं, लेकिन कोई सीट जब देने की बात आती है, चुनाव में टिकट देने की बात आती है, तो महिलाओं को टिकट ही कम मिलता है। तो जब टिकट कम मिलेगा तो स्वाभाविक है कि कम महिलाएं चुन करके आएंगी, और जब उनकी संख्या कम होगी तो मंत्रिपरिषद में, मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी भी कम होगी। इस सरकार में 5 महिलाओं को स्थान दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं का जो प्रतिशत है, 50% तो वोटर है शशिकांत जी उत्तर प्रदेश में महिलाएं, तो क्या उनमें से सिर्फ अभी जो मंत्रिमंडल में 5 महिलाएं आई हैं, कितनी आंकड़ों की उम्मीद करते थे आपकी, कितनी महिलाएं आएंगी और कितना और भागीदारी अभी देने की जरूरत है महिलाओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति में? जी निश्चित रूप से, जिस जब हम यह एक तरफ हम चर्चा करते हैं कि 2012 के बाद से उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ी है और वो पुरुषों की संख्या में ज्यादा बढ़ चढ़ करके वो मतदान कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि वो मात्र मतदान करने तक ही वह सीमित न रहे, वाकई अगर हमें प्रदेश की राजनीति में कुछ परिवर्तन लाना है और हमें एक अपने समाज को एक इंक्लूसिव समाज बनाना है, तो आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को जो है उनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, और उस भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में जब तक उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक जो है हम कोई बुनियादी परिवर्तन की उम्मीद नहीं कर सकते। इतने बड़े प्रदेश में और इतने बड़े मंत्रिमंडल में 50 से ऊपर मंत्री हैं, अगर 5 महिलाओं को स्थान मिलता है तो इसका मतलब कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है और निश्चित रूप से उनकी भागीदारी और बढ़नी चाहिए। लेकिन शशिकांत जी, पार्टियां जो भी हो, सरकारें चाहे जो भी हो, दावे और वादे सभी करती हैं, चुनाव में महिला के मुद्दे सभी उठाते हैं, लेकिन जिस तरह से 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिला, कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं महिलाएं। वहीं अगर बात विकास की किया जाए शशिकांत जी, तो हालांकि 5 साल के कार्यकाल में ये भी कहना था कि कोरोना की वजह से कुछ कार्य नहीं कर पाए, बुलडोजर काफी फेमस हुआ, चुनाव के दौरान एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए थे कि मेरी सभा में देखो बुलडोजर भी खड़ा है,
उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा भी अहम रहा। शशिकांत जी, तो आपको कौन सा मुद्दा कितना हावी होता हुआ आपने देखा? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव में कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरीके से मुद्दों को उठाता रहा। जहां तक विपक्ष की बात थी, उसने बेरोजगारी की बात बड़े बढ़ चढ़ करके उठाई, महंगाई की बात उसने की, जो मुद्रा स्फीति की दर का बढ़ना है या महंगाई बढ़ना है, ये तमाम जो है चुनाव में मुद्दे थे, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन सभी मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो विकास के अपने जो वायदे थे और कहीं वो कुछ ना कहीं वो जमीन पर जो योजनाएं जो उनकी थी, जो स्कीम्स थी पब्लिक वेलफेयर की, कहीं वो उतरती दिखाई दी। कहीं या तो लाइन ऑर्डर के मुद्दे पर हम बात करें, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी सफल होती नजर आई। तो ये तमाम ऐसे चीजें थी कि मुद्दों के होते हुए भी, क्योंकि अगर ये मुद्दे न होते तो समाजवादी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें कैसे मिलती, तो वह मुद्दे थे लेकिन शायद वह उतने प्रभावी नहीं हो पाए, या फिर विपक्ष जो है उसको उतना इफेक्टिवली जो है वह जनता के समक्ष नहीं रख सका। और यही कारण है कि वह भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव में कामयाब रही। जहां तक बुलडोजर की बात है और उसको एक बनाने की इस तरह की हम एक कोशिश है कि बुलडोजर अपने आप में कहीं एक प्रतीक नहीं बन सकता, हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि बात बुलडोजर तक जाए ही ना। समस्या इस बात की है कि हम अगर सही पर एक अनाधिकृत रूप से जो है अगर कहीं किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो अगर उसे प्रारंभिक तौर पर ही रोक दिया जाए तो बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। निश्चित रूप से यह बात ही तभी आती है कि कहीं उससे पहले गड़बड़ियां हुई थी। तो आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम कोई फुल प्रूफ समस्या का समाधान चाहते हैं लाइन ऑर्डर के फ्रंट पर या अन्य मामलों पर, तो करप्शन को मिनिमाइज करना होगा। और जब तक करप्शन मिनिमाइज नहीं होगा, यह बुलडोजर जो है समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगा। जी, बलदेव सिंह औलक इकलौते सिख मंत्री भारतीय जनता पार्टी के, दोबारा इन्होंने शपथ ली है मंत्रिमंडल की, मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, योगी सरकार 2.0 में भी ये है, कैसे देखते हैं आप इसको? भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो बलदेव सिंह औलक हो या फिर जो दूसरे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनसे जो विधायक को शामिल करने की, मंत्री बनाने की कोशिश की है, एक मैसेज देने की बात है बेसिकली कि जो उत्तर प्रदेश में जो है अगर हम सिख समाज को भी हम जो है वो प्रतिनिधित्व देते हैं, और इसी तरह से उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी हरदीप पुरी जी जो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं उनको स्थान देने की कोशिश की गई थी, तो सभी वर्गों का चूंकि प्रतिनिधित्व हो और शायद इसी को ध्यान में देते हुए औलक जी को जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल में स्थान देने की कोशिश की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव के इस विमर्श को एक व्यापक आयाम देने की कोशिश उसकी है, और उसकी कोशिश है कि हम समाज के जो सभी वर्गों को अपने साथ साधने की कोशिश करें। हालांकि निश्चित रूप से इस प्रयास में वो वहां तक तो सफल हुए हैं कि वो हिंदू समाज के अंदर तो उन्होंने काफी पार्टी ने बैठ बनाई है, लेकिन अभी जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं वो अभी उनमें उनकी पैठ उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो 8-9% जो है वो जिस चुनाव में भी उस वर्ग से उन्हें मिला है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि हम उस वर्ग में भी जो अपने आप को जो है वो स्थापित करें और अपने को कनेक्ट करें। शशिकांत जी, धर्मवीर प्रजापति अल्पसंख्यकों के वो पहले भी रहे हैं और माटी कला बोर्ड उनके अंडर में रहा है। जब माटी कला बोर्ड उनके अंडर में था तो हमने देखा कि लखनऊ में तमाम डिस्ट्रिक्ट से जो माटी के कारोबारी हैं वो आए, उन्होंने एग्जीबिशन लगाया, उन्हें एक बढ़ावा भी मिला। ऐसे में दोबारा धर्मवीर प्रजापति जो प्रभार मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया, कैसे देखते हैं और वो अब कितना कुछ और बढ़ावा जो माटी के कारोबारी अल्पसंख्यक है उनको मिलेगा? जी, आपको मालूम है कि योगी जी के काल में पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों कोशिशें की। एक तरफ उन्होंने जो है वो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी इन्वेस्टर्स समिट की, हालांकि वो कितना जमीन पर उतरा यह देखने का विषय है, लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ी महत्वपूर्ण उनकी योजना थी वो थी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। जी, उसी के थ्रू उन्होंने माटी कला बोर्ड में ये जो करवाई थी डिस्ट्रिक्ट से जो छोटे कारोबारी बुलाई थी उसी के थ्रू उन्होंने बुलाई थी। तो कितना बढ़ावा इसको मिल पाएगा शशिकांत जी अब 2.0 में योगी सरकार? इसलिए इसको बढ़ावा मिलने की देखिए संभावना है कि 5 वर्ष का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता है, और कई बार जब सरकार को दोबारा समय मिलता है तो
सरकार के न बदलने से और उसी सरकार के बने रहने से एक ये लाभ भी होता है कि जो उसकी योजनाएं हैं उस योजनाओं को उसे आगे ले जाने का अवसर मिलता है। तो जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ था और उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि हर क्षेत्र में जो वहां के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है, आर्ट्स है, पॉटरी है, वो सभी को बढ़ावा मिले, तो चूंकि उसी सरकार का यह रिपीटिशन है तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद उस क्षेत्र में जो चर्चा हुई थी वह चर्चा जो है आगे बढ़ेगी, उनको और ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और जो बातें ज्यादा और काम कम वाली जो बात है वो हमें उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार जो है वो आगे और बढ़ेगा और वाकई जो ये प्रोडक्ट है, जो लोकल प्रोडक्ट है, वो उसको जो है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म जो है दिलाने की कोशिश योगी जी की सरकार करे। जी शशिकांत जी, सुरेश खन्ना भी एक बहुचर्चित है, शाहजहांपुर से वो चुनाव जीत करके आए हैं और उन्होंने आज शपथ भी लिया योगी सरकार 2.0 में। ऐसे बीच में जो हृदय नारायण दीक्षित है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वो रिटायर्ड हो चुके, इस बार उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा, उनकी उम्र भी काफी हो गई थी, ऐसे में तमाम अटकलें अब सुरेश खन्ना को लेकर लगाई जा रही है, ऐसे में क्या लगता है आपको? जी, सुरेश खन्ना जी चूंकि चुनाव जीत करके आए हैं और शायद मंत्रिमंडल का वो हिस्सा भी है जी, उन्होंने शपथ लिया आज। हाँ, उन्होंने शपथ लिया तो निश्चित रूप से वो मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, तो ऐसे में और उनका एक बहुत बड़ा कद है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, शायद वो 8 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं और बिना किसी जातीय समीकरण के, कोई उनके समाज के बहुत ज्यादा लोग वहां पर शाहजहांपुर जहां से वो जीत करके आते हैं नहीं है, यह अपने आप में इंगित करता है, इशारा करता है कि अगर जनता कितने लंबे समय तक किसी विधायक के कार्यशैली से अगर प्रभावित है तो ऐसे में उसको पुरस्कृत करना चाहिए और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद से सुशोभित किया है, उन्हें अवसर दिया है और पार्टी के अंदर एक बड़ा चेहरा है तो निश्चित रूप से उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग जो है और कोई महत्वपूर्ण दायित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश है। जी शशिकांत जी, 37 सालों बाद सरकार दोहराई गई है, 3 दशकों का इतिहास टूटा है, ऐसे में फिर से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया, कितना प्रबल दावेदार आप इनको देखते हैं अब प्रधानमंत्री के चेहरे का? क्या ये प्रबल दावेदार है? बिल्कुल है चेहरे का, और किस तरह से आप देखते हैं भविष्य में किस तरह से उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ? देखिए, निश्चित रूप से इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो बहुत बढ़ा है और जैसा आपने स्वयं कहा, लगभग 37 वर्षों के बाद कोई भी प्रदेश में मुख्यमंत्री, कोई भी पार्टी जो है वो रिपीट हुई है, हाँ, कोई सरकार बनी है और संभवतः यह पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद दूसरी बार जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कई बार पार्टियां तो जरूर दोबारा जीती लेकिन व्यक्ति जो है वही व्यक्ति नहीं रिपीट हुआ, तो यह शायद ये एक यूनिक उपलब्धि योगी आदित्यनाथ के नाम है। और पहली बार जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी तो वह चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, वही प्रमुख चेहरा थे, लेकिन इस बार का चुनाव जो 2022 का चुनाव था उसमें अगर वाकई में कोई चेहरा था तो योगी आदित्यनाथ थे। हालांकि कई बार वो अपनी उनकी कार्यशैली पर कई बार कई लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन निश्चित रूप से जब चुनाव का जो रिजल्ट है, वो लोकतंत्र का वह महापर्व होता है और उसमें जो रिजल्ट आया वो हम सभी स्वीकार करते हैं और यह अपने आप में इशारा करता है कि योगी जी की कार्यशैली से उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो खुश थी और उसने जो है इतनी बड़ी मात्रा में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट दिया और उसका परिणाम जो है हम देखते हैं कि वो चुनाव जीत करके आए और आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ। जहां तक आपके प्रश्न के दूसरे भाग की बात है कि कितना हम उनमें संभावना देखते हैं कि क्या वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, देखिए राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं बनती बिगड़ती रहती है। प्रदेश में जब दोबारा वह इतने बड़े प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वह दोबारा मुख्यमंत्री बन के आते हैं और निश्चित रूप से अभी उनकी राजनीतिक जो पारी है वो बहुत लंबी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है क्योंकि पार्टी के अंदर जो यंग चेहरे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो काफी अब बड़ा हो गया है। ऐसे में हो सकता है कि वो आगे प्रधानमंत्री पद के भी दावेदार हों, लेकिन उसके बारे में कुछ भी अभी
अस्थायी रूप से कहना यह मुझे लगता है कि जल्दीबाजी। जी बिल्कुल, लेकिन आज जब शपथ ग्रहण समारोह में रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो आजमगढ़ से चुनाव हारे थे लोकसभा का, एक गाना गाया उन्होंने, 2022-2024 तो झांकी है, 2027 अभी बाकी है। तो लगातार अगर देखा जाए कि तैयारी 2027 की भी हो रही है, जो दूरदर्शी है भारतीय जनता पार्टी, जो एक उसका जो फ्यूचर प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रांग नजर आती है। इस जीत से हम ये तो कह सकते हैं कि फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रांग नजर आती है। शशिकांत जी, स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने भी आज शपथ लिया, उन्होंने एक प्रबल प्रबल चेहरा है, उन्होंने काफी मेहनत करी, वो एक बहुत ही खास और क्लोज माने जाते हैं योगी आदित्यनाथ के, उनका जो रोल है वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी को भी उनके मेहनत का, उनके परिश्रम का पर जो है वो रिजल्ट मिला और उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया, हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने कहा कि वो हमेशा जो है पार्टी जो है आगे का सोचती है, और उसने 2024 के चुनाव भी आगे हैं, वो कुर्मी समाज से आते हैं जो कि यादवों के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पिछड़ी समाज की वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कुर्मी समाज, इस समाज से स्वतंत्र देव सिंह आते हैं, लगभग 3 दर्जन विधानसभा सीटों में उनकी अच्छी खासी संख्या है, 8 से 10 लोकसभा क्षेत्रों में। ऐसे में वो एक कोशिश है कि न केवल स्वतंत्र देव सिंह जी को उन्होंने उनकी मेहनत का रिवार्ड दिया, संगठन में उन्होंने काम किया था और उनके पास एक विशाल विराट अनुभव है, उसका तो उन्हें लाभ मिला ही मिला। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की यह भी कोशिश है कि उनके माध्यम से उन्होंने कुर्मी समाज को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार के चुनाव में कुर्मी समाज का एक बड़ा हिस्सा जो है, वो वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी गया था, तो उसको रोकने की भी कवायद है और उसके तहत भी जो है उन्हें जो है वो कैबिनेट में शामिल किया गया है। शशिकांत जी, नंद गोपाल नंदी, जिनका नाम जो है वो सबसे अमीर मंत्रियों में भी शुमार है, उन्हें भी आज मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, किस तरह से आप देखते हैं नंद गोपाल नंदी के इस मंत्रिमंडल में शामिल होने को? देखिए, नंद गोपाल नंदी इलाहाबाद से राजनीति करते रहे हैं, बसपा में थे और उनके ऊपर अटैक भी हुआ था और एक इलाहाबाद से वो एक बड़ा चेहरा है, उनकी पत्नी वहां मेयर रही है और पिछली बार भी वो कैबिनेट का हिस्सा थे। ऐसे में चुनाव जीतने के बाद जो है वो एक संभावना पूरी थी कि वो प्रयागराज बेल्ट में जो है उनको जो है उस क्षेत्र को भी प्रतिनिधित्व देना था पार्टी को, और इसलिए जो है उनके पास पिछले चुनाव का, पिछले बार का भी अनुभव था, वो कैबिनेट का हिस्सा थे, तो इसमें कुछ नयापन नहीं था, एक पूरी संभावना थी कि शायद इस बार भी उन्हें कैबिनेट में स्थान मिले और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट में स्थान दिया। जी शशिकांत जी, मंत्रिमंडल विस्तार भी हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, किस तरह से देखते हैं आप इस बार के चुनाव को? अब सब कुछ फाइनल हो चुका है, किस तरह से आपने देखा, क्या मुद्दे हावी रहे, क्या कुछ कार्य जो है, क्योंकि अगर बात किया जाए चेहरों को तो इस बार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी फ्रेश चेहरों को मैदान में उतारती रही है, उन्होंने बिल्कुल एक जो इम्पोर्टेंस देना है अपने पुराने नेताओं को दिया है, लेकिन फ्रेश चेहरों पर भी दांव भारतीय जनता पार्टी खेलती रही, इस बार भी खेली है, नई फ्रेश चेहरे मंत्रिमंडल में भी आए, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस पार्टी को अन्य दलों से अलग करती है, और उस जो अलग करने की जो बात है, हम देखें अगर बाकी के जो अन्य दल हैं, उदाहरण के लिए जो कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पर इतने लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी रही, और उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल भी हैं, क्योंकि कांग्रेस लगभग जो है उसकी संख्या हम देखें तो एक पार्टी जो इतने लंबे समय तक देश पर शासन की, वो 44 और 52 लोकसभा सीटों तक सिमट करके रह गई, और भारतीय जनता पार्टी को जो एक एडवांटेज मिलता है वह है कि पार्टी जो दायित्व जो है पार्टी में जिसको जो दिया जाता है उसे वो बहुत गंभीरता से निभाते हैं, और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े क्षेत्रों में जो है अपना विस्तार कर दिया है, और जो लगातार जो नेवर से डाई एटीट्यूड है पार्टी का, और खास तौर से पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि हम ये देखते हैं अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को देखें तो बाकी के दल शायद उनके मुकाबले में कहीं नहीं खड़ा हो पाते, चाहे दल हो या दल के नेतृत्व हो,
वो ये है कि उनके साथ कोई बैगेज अटैच नहीं है, वह परिवारवाद का, जातिवाद का, इन सभी चीजों का कोई उनके ऊपर टैग नहीं है, कोई उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पर कोई डाउट नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। और जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है जब इतना मेहनत करता है और पार्टी के अंदर एक अनुशासन स्थापित करने में कामयाब रहता है तो स्वाभाविक है कि उसका रिजल्ट जो है वो पार्टी को मिलता है। और वही हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यद्यपि कि कई बार कई राज्यों के चुनाव में तो हार जाती है, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प की बात होती है तो आज भी मोदी का कोई विकल्प दिखाई नहीं। मतलब बेहतर विकल्प जो है वो अभी भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। वहीं शशिकांत जी, लगातार एक आरोप और लगा है मुख्यमंत्री पर कि वो ठाकुर चेहरों को अहमियत देते हैं, ठाकुरवाद उनमें है। और इस बीच जो आंकड़े सामने आए हैं, योगी 2.0 मंत्रिमंडल में जो शामिल हुए हैं, 18 जो है वो ओबीसी हैं, 10 ठाकुर चेहरे हैं, 8 ब्राह्मण हैं, 7 एसटी और 3 जाट, 3 जो है वो बनिया चेहरे हैं, 2 पंजाबी, 1 मुस्लिम। सिर्फ एक मुस्लिम को जगह मिली है। तो आपको क्या लगता है, इसमें भी सवाल उठेंगे आगे चल के? मंत्रिमंडल के कंपोजिशन को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद अभी यह बहुत जल्दी है, लेकिन किसी भी क्षत्रिय समाज के या ठाकुर समाज के कितने लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया है अभी यह जानकारी मेरे पास बहुत स्पष्ट नहीं है। लेकिन इस टैग को तोड़ने की कोशिश की है। निश्चित रूप से यह पिछली बार आरोप लगे थे कि जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं खास तौर से एक समाज विशेष के लोग जो है उनका प्रभुत्व देखने को मिल रहा है, और पार्टी इन सारी चीजों को सार्वजनिक डोमेन में तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करती, कोई भी दल नहीं स्वीकार करता, लेकिन उसको उन्होंने इस बार एड्रेस करने की कोशिश की है। और आप देखेंगे कि इस बार का जो मंत्रिमंडल का जो फॉर्मेशन है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां से जाट समाज की नाराजगी की खबरें आ रही थी वहां उन्होंने बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है उस समाज को। लगभग शायद 8 चेहरे वहां से आए हैं मंत्रिमंडल में। इसके अलावा जो दलित समाज से भी बड़ी संख्या में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है, ओबीसी से भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये आरोप रहे हैं, लेकिन यदि हम चुनाव के परिणामों को देखें तो इस तरह के आरोपों का कहीं कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जितने भी अपर कास्ट के जो वोटर्स है, चाहे वो ब्राह्मण कम्युनिटी जो लग कह रहा कहा जा रहा था, उसने बहुत बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान। शशिकांत जी, दयाशंकर सिंह बलिया से जीत के आए, जो उनकी पत्नी स्वाति सिंह मंत्री हैं और उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। जब उन्हें टिकट मिलना था तो काफी चर्चे उनके नाम के हुए थे और लगातार ये कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी वो परिवारवाद से हट के फैसले लेती है। तो शशिकांत, अगर बात दयाशंकर की किया जाए शशिकांत जी, तो उन्होंने भी आज मंत्री पद का शपथ लिया है। उनकी पत्नी पहले से मंत्री है और ऐसे ही आशीष पटेल का भी सामने आया है कि आशीष पटेल ने भी आज राज्य मंत्री के रूप में शपथ लिया। उनकी जो पत्नी है वो केंद्रीय मंत्री है। तो ऐसे में जो एक ये कहना है कि मतलब दयाशंकर सिंह को नहीं मिलेगा, केतकी सिंह के भी नाम सामने आ रहे थे, तो दयाशंकर सिंह को जिस तरह से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये पहले तो हमें जानना होगा कि स्वाति सिंह पिछली सरकार में मंत्री थी। जी, वो पिछली सरकार में मंत्री थी। हाँ, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला था और वो इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी। और दयाशंकर जी इस बार चुनाव लड़े थे और वो लखनऊ में, जहाँ से वो सरोजिनी नगर से जो है वो जो क्षेत्र उनका है वहां से न लड़के, बल्कि उन्होंने बलिया जो उनका पैतृक स्थल है वो वहां से वो चुनाव लड़े और एक कठिन लड़ाई में बलिया में समाजवादी पार्टी की अच्छी प्रेजेंस रही है, चंद्रशेखर जी की वो धरती रही है, और वहां पर दयाशंकर सिंह ने एक कड़ी लड़ाई में जो है वो जीत हासिल की। निश्चित रूप से वो पहली बार विधायक बने थे, लेकिन सभी क्षेत्रों को और वर्गों को और समाजों को साधने की कोशिश रही है भारतीय जनता पार्टी में। वो बहुत पहले से शामिल रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो ऐसे में इसके अलावा पार्टी के अंदर जो एक ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और जिसमें दयाशंकर सिंह जी भी थे, तो
तो पार्टी उन्हें समय समय पर महत्वपूर्ण दायित्व देती रही है, उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और शायद यही कारण है कि उनकी मेहनत के रिवार्ड के तौर पर जो है पार्टी ने जो है उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दर्जा दिया है। जी, वही अगर पूरे इस कार्यकाल को देखें, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है, किस तरह से आप देखते हैं कि जो भी मंत्री चुन करके आए हैं, क्या कुछ एक नई उम्मीदें जनता के दिल में आएगी, कि जनता को एक कुछ नई उम्मीदें दिखेगी इस मंत्रिमंडल से? देखिए, जहां तक मंत्रिमंडल से उम्मीदों की बात है तो योगी जी का कद पिछली बार वो नए थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने बहुत मजबूती से और शासन चलाया था और पिछली बार कई बार उन पर यह आरोप भी लगे थे कि वह प्रशासनिक अधिकारियों के सहारे अपनी सत्ता चलाते हैं और मंत्रियों को स्थान नहीं मिलता है, उन्हें स्पेस नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद योगी जी अपने दूसरे कार्यकाल में उनकी कोशिश होगी जरूर कि वो जो उनके साथी हैं शायद उन्हें भी जो है वो स्थान प्रमुखता से मिले। और इसमें AK सिंह जी जो कि एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं और जो इस बार फिर मंत्रिमंडल में अभी उन्हें स्थान भी दिया गया है, जिस तो हो सकता है कि कुछ अब जिस रूप में जो है कैबिनेट में जो इम्पोर्टेंट जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कार्य का जो वर्गीकरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस रूप में हुआ है। उदाहरण के लिए दिनेश शर्मा जी की जगह ब्रजेश पाठक जैसे तेज तर्रार और अनुभवी नेता का उप मुख्यमंत्री बनना, वह निश्चित रूप से वह एक कहीं मजबूती से अपने आप को एसर्ट करेंगे और कुल मिलाकर के एक किस तरह से जो है मंत्रिमंडल का संचालन होगा, पार्टी आगे बढ़ेगी, ये सारी चीजें हमें लगता है कि अभी इंतजार करना होगा और आगे हमें यह पता चलेगा। 1:07 बजे औपचारिक जो मीटिंग होने वाली है शपथ ग्रहण के बाद, उसमें कई बड़े चेहरे भी शामिल होंगे, इस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है? और जिस तरह से जीत का जश्न ब्रजेश पाठक के घर के बाहर एक जश्न मनाई जा रही है, एक तरह से उन्होंने जो दुरुस्त रखा, जो कानून मंत्री थे ब्रजेश पाठक, उन्होंने काफी अहम फैसले लिए, दुरुस्त रखा, इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ और बड़े फैसले, और इस बार कानून मंत्री क्या वो किसकी तरफ जाता हुआ आप देखते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल सरकार का दायित्व है कि वह किसको क्या मंत्रिमंडल में क्या स्थान देगी और हमें अभी इसको इंतजार करना होगा और देखना होगा। जहां तक सेलिब्रेशन की बात है, निश्चित रूप से जो भी मंत्री बना है स्वाभाविक है कि उसके जो सपोर्टर्स हैं उनमें बहुत खुशी होगी, वो सारे सेलिब्रेशंस होंगे और यह एक औपचारिक बैठक होती है कि क्योंकि जब मंत्रिमंडल बन जाता है तो उसके साथ जो है मुख्यमंत्री अपने टीम के साथ एक टीम के कैप्टन के तौर पर वो एक बैठक करता है और वो एक जो ब्रीफिंग्स होती है वो देने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के क्या जो ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, किस आधार पर हम जो है आगे बढ़ेंगे और कैसे काम करेंगे, और शायद ये एक दूसरे से रूबरू होने का, उनका एक दूसरे से परिचित होने का एक अवसर होगा, एक फॉर्मेलिटी होगी। कोई कैबिनेट की औपचारिक बैठक तो नहीं है जिसमें से कोई नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, संभावित है कि अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद आगे दायित्वों का बंटवारा होगा और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री किस रूप में मंत्रियों का पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दायित्वों का बंटवारा करते हैं, उससे जो है हमें जो है आगे के रोडमैप का पार्टी का जरूर पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव में कुछ मुद्दे थे, उदाहरण के लिए आपको मालूम होगा कि आवारा पशुओं का मुद्दा भले भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई लेकिन वह एक मुद्दा था और प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभाओं में उसके समाधान की बात की थी, गन्ना किसानों का मुद्दा था, इस तरह के अनेक मुद्दे रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट मिला है, बड़े राज्य में मैंडेट मिला है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ी और शायद वह कोशिश करेंगे कि जो जनता के जो असंतोष है हम उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके वह दूर कर सक करें, जिससे कि हमें 2024 या आगे भी जो उसका लाभ मिल सके। जी बिल्कुल शशिकांत जी, अब जो है वो शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का भी हो चुका है और जो मंत्री हैं उनका भी हो चुका है, अब तो ये तभी पता चलेगा जब ये अपना कार्यभार संभालना शुरू कर देंगे। आज अभी शपथ ग्रहण हुआ है, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी।
राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए थे। शशिकांत पांडे जी ने बताया कि किस तरह से क्या कुछ आगे के कार्यभार हो सकते हैं, कौन किस तरह से संभालेगा। अभी 2017 में जो कैबिनेट में शामिल थे उनके नाम आप हमारे टीवी स्क्रीन पे देख चुके हैं, कई नए चेहरों को भी इस कैबिनेट में जगह दिया गया है। वहीं अगर बात महिलाओं की करें तो महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं एक बार फिर से पीछे छूट गई है। जिस तरह से 50% महिलाएं वोटर हैं, उस तरह से महिलाओं को कहीं ना कहीं कम भागीदारी मिली है और महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल बढ़ी जानी चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। और हालांकि तो लगातार कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, कई युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। जिस तरह से लगातार एक ब्लेम लगता आया था पिछली सरकार पर, उसको देखते हुए इस बार हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। इसी बीच की बड़ी खबर सामने आ रही है, पहली जो बैठक होनी है मुख्यमंत्री की, थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्री लोकसभा बुलाए गए हैं, सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को बुलाए। थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की पहली बैठक, सभी कैबिनेट मंत्री लोक भवन बुलाए गए हैं। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को बुलाया है, योगी सरकार की अब पहली बैठक होगी जीत के बाद और शपथ ग्रहण के बाद। मंत्री और मुख्यमंत्री सभी के शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बैठक होगी। थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी, सभी कैबिनेट मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है। सीएम योगी के सभी मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है, थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद की और जो भी नवनिर्वाचित मंत्री हैं उनकी यह पहली बैठक होगी। सभी कैबिनेट मंत्रियों को लोक भवन बुलाया गया है। वही हमारे संवाददाता लगातार मौजूद है, विभांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से। विभांशु, क्या कुछ तैयारियां चल रही है, क्या कुछ हलचले हैं पार्टी कार्यालय के बाहर? जी तुष्ला, अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ के दूसरी मरतबा शपथ ग्रहण के बाद जो आपके बीजेपी कार्यालय में मौजूद हूं, और इस वक्त आप देख सकती हैं कि यहां पूरे कार्यालय को झालर से सजाया गया है, कि ऐसा सजाया कि मानो आज दिवाली है। वहीं आपने देखा कि अभी बाहर पटाखे जलाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिवाली और कहीं रंग भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं तो कि होली दिवाली आज कार्यकर्ता मना रहे हैं और काफी जश्न का माहौल है। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जगहों से और खास करके जो उत्तर प्रदेश के भी बाहर कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश चुनाव में काम कर रहे थे वो भी आए हैं, और साथ ही वो संगठन को मजबूत करने वाले हर एक कार्यकर्ता हर एक पदाधिकारी के लिए उत्साह का दिन है। और भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक आए थे, जो दूर दराज जिलों से लोग आए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए हैं और यहाँ आकर और जश्न मनाने का माहौल बनाया है और जश्न मना रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि कुछ कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुंदरपाल सिंह राजावत, भिंड मध्य। कहाँ से आए आप? भिंड मध्य प्रदेश। अच्छा, ये बताएं एक बार फिर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद है। मोदी जी ने, योगी जी ने जो काम किया है उसके इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी अच्छी जो काम रहे थे काम के कारण। अच्छा, आप अपना नाम बताएं। अमितेंद्र सिंह। कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश में आए हैं, यहाँ प्रचार किए होंगे, कैसा माहौल देखा, और एक बार फिर योगी जी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इससे सुखद अवसर शायद ही कभी हो कि हमें ये आज जो ऐतिहासिक दिन है, आज ये शपथ का, इसमें हमें उपस्थित होने का मौका मिला। इससे अच्छा सुखद दिन कुछ नहीं हो सकता है, और इस उत्तर प्रदेश की एक नई शुरुआत होगी। और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जिस दिशा में चलता है उससे पूरे देश की दिशा बनती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी और जान लगाकर और बहुत संघर्ष करके इस सरकार को बनाया है, ऐसा मैं समझता हूं। अगर बात की जाए तो 2017 से 2022 के बीच की सरकार रही जिसमें आप मध्य प्रदेश में हैं, वहां भी बीजेपी शासित राज्य है, तो आपको क्या ऐसी चीजें लगी योगी आदित्यनाथ और भाजपा के ऐसे कार्य जो आप कुछ बता सकते?
देखिए, योगी जी की जो छवि है वो निश्चित रूप से बाकी के प्रदेशों के मुखियाओं से अलग हटके है, या हम उसको ये कह लें कि जो हमें यहाँ फिर से सरकार बनाने का जो अवसर मिला वह मूल कारण था यहाँ की गुंडागर्दी को खत्म करना, और उसका जो असर हुआ जो छोटे छोटे आम जो जन था जो परेशान था उन लोगों ने पूरे दिल से वोट डाली है, और उसका ये परिणाम हुआ कि आज हम योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई है, और यह निश्चित रूप से आगे जाके उत्तर प्रदेश एक पूरे देश का नंबर वन प्रदेश बनेगा, ये हमारा विश्वास है। ये बताएं कि आप मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में आए हैं तो संगठन के काम से आए हैं या शपथ ग्रहण समारोह को देखने आए हैं? देखिए, हम पिछले 1.5 से 2 महीने से, जैसा मैं मैनपुरी जिले में मुझे प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में भेजा गया, जब टिकट नहीं हुई थी उसके पहले से हम लोगों ने वहां जिले में संगठन का काम शुरू किया, और आखिरी दिन तक वोट डलने तक हम लोगों की वहां ड्यूटी थी, हमने वोट डाली, और जब परिणाम आए तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने हमें पुनः आमंत्रण दिया कि आप लोगों ने जो मेहनत की स्थानीय कार्यकर्ताओं के को सहयोग करके, और उसका जो परिणाम आया कि हमारी सरकार बनी और हमें आमंत्रण मिला, और हम मध्य प्रदेश से पुनः हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे नेताओं के बीच में, हमारे योगी जी को शपथ दिलाने के लिए हम लखनऊ आए हुए हैं, और आज का जो वातावरण था वह इतना बढ़िया वातावरण था, और लाखों लाख कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से लखनऊ में हैं, और मैं समझता हूं कि यह जो विकास की गंगा है, अब जो पिछले 5 वर्षों में से 2 वर्ष तो कोविड में निकल गए, योगी जी को काम करने का अवसर मैदानी नहीं मिल पाया, लेकिन 3 वर्षों के जो कार्यकाल का समय था, जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई थी, अब अगले 5 वर्षों में आप देखना इस उत्तर प्रदेश का दिशा और दशा एकदम बदली हुई दिखेगी, ऐसा मेरा मानना है। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा है। कहाँ से आए आप? जिला फिरोजाबाद से। जिला फिरोजाबाद से है। वहीं अगर बात करें तो आज तमाम मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लोग अपने शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लिए, क्या कहेंगे मंत्रिमंडल पे आप? मंत्रिमंडल ने कैसे है, मंत्रिमंडल कैसा उसका स्वरूप दिया गया है? बहुत अच्छा स्वरूप दिया गया है भाई, बहुत अच्छा स्वरूप दिया गया है। अब मंत्रिमंडलों ने हमारे ना काम किया है, जैसे धर्मवीर प्रजापति जी हैं, मंत्री रहे थे, 7 महीने का कार्यकाल मिल गया, 7 महीने के कार्यकाल में उन्होंने वो काम करके दिखाई, उसके बाद आप देख रहे हो दोबारा फिर बने आपके सामने, ठीक है ना। डिप्टी सीएम बने ब्रजेश पाठक जी, कानून मंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक जो सिपाही है, अब आप देख रहे हैं भाई साहब एमपी से आए हुए हैं, आप देख रहे हैं एमपी से आए हुए, क्या ये जज्बा है, जोश है अपने अंदर, हमें पार्टी के लिए काम करना है, हमारे को कुछ बनना नहीं है, हमें पार्टी के लिए अंगुली से अंगुली टच करके चलनी है, जो हमारे गुंडे लोग तत्व लोग हमारे यहाँ पे मासूमों को अंजाम दे रहे थे, जिनके लिए बाबा बिल्डोजर फिर तैयार है, वो मुंह कहते नहीं बिल में से निकल के आ गए थे, बिलबिलाने लगे थे, अब आज की रात से बिल में घुस गए, वो आज की रात से बिल में घुस जाएंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे होंगे, आज भी एक एनकाउंटर हुआ है इनामी का लखनऊ में, हुआ है ना, टीवी पर भी चल रहा है, सारी जगह चल रहा है, इधर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उधर गुंडों का खात्मा चल रहा था, जिसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वस्थ सरकार है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा, आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है? कुंडला विधानसभा से, फारूक शर्मा मेरा नाम है। अच्छा, अगर बात की जाए तो 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है योगी आदित्यनाथ का, फिर से दूसरा काल की कार्यकाल की शुरुआत की जा रही है, तो क्या आशा अपेक्षा है कि इसमें किस तरह के काम किए जाए? थोड़ा बहुत जो कार्यकाल था 2 साल से पिछले, तो कोविड ने खराब कर रखा, अब आगे आने वाले दिनों में जो युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्राप्त हों और आगे के लिए विकास की गंगा बहे और सारे प्रदेश में शांति का जैसे माहौल चल रहा है उसी तरीके से माहौल बनता रहे, ऐसी अपेक्षा है। जी, आप अपना नाम बताएं और कहां से आए? मेरा नाम ध्रुव शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष, युवा मोर्चा फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से। तो क्या कहेंगे कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको संभालने का जिम्मा दिया गया है, कैसे देखते हैं? योगी जी हमारे जो हैं, एक तो बिरादरीवाद यूपी से खत्म हुआ है जब से योगी जी बैठे हैं, जातिवाद की राजनीति यूपी से बिल्कुल पलायन कर गई है, ये देखा भी है इस चुनाव में, जातिवाद बिल्कुल नहीं चला है और सबका साथ सबका विकास को लेकर जनता ने वोट किया, हमारी पुनः सरकार बनी,
और खास बात ये रही योगी जी का जो कार्यकाल रहा पिछले 5 साल में, तो कुछ समय तो उसमें एक मानिए आप 1.5 साल तो कोरोना में ही चला गया, उसमें विकास का पहिया बिल्कुल रुक गया, विकास के कार्य नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और हमारी सरकार के मंत्रियों ने, सबने कोरोना काल में हमने देखा कि विपक्ष हमें रोड पे नहीं दिखा था, हम लोग सेवा कर रहे थे, हमें चिंता थी कि कहीं कोई भूखा ना सोए, तो इसका असर बहुत गया। और गरीबों के लिए योगी जी ने एक कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी, हर घर में राशन पहुंचा, 2 बार राशन मिला, वो भी फ्री मिला, तो गरीबों की तरफ देखा योगी जी ने। और मोदी जी का भी बहुत हमारा योगदान रहा, डबल इंजन की जो सरकार थी, तो जो सरकार का काम था वो बाहर अंदर तक पहुंचा, गरीब के घर तक पहुंचा, जो गरीब एक झोंपड़ी में रहता है उसके यहाँ भी हमने सरकार का उज्ज्वला का गैस सिलेंडर रखा हुआ देखा, तो ये किसी ने नहीं सोचा था जो योगी जी ने और मोदी जी ने सोचा, और गरीबों तक विकास को पहुंचाया गया, ये अहम काम रहा, ऐसा किसी सरकार ने नहीं किया। और हमारे इसमें सरकार जो हमारी 2017 में बनी थी, तो जब प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके साथ हमने संघर्ष किया था, इसी प्रांगण में लाठियां खाई थी हमने, सामने विधानसभा घेरी थी तो हम पर लाठियां पड़ी थी, तो उसका आज हमें परिणाम मिला है, संघर्ष हमने किया है, तो हमारी सरकार पुनः बनी है। और मुझे खुशी है केशव प्रसाद मौर्य जी को द्वारा से डिप्टी सीएम बनाया गया है, क्योंकि मैं उस समय मंडल अध्यक्ष था, मैंने उनके साथ काम किया है, मुझे बड़ी खुशी होती है। जी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्यकर्ता दूर दराज से आए हुए हैं, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से, चाहे बात की जाए, तो अभी मैं बात कर रहा था तो यहाँ मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र से लेकर तमाम जगहों से कार्यकर्ता आए हैं, आज के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए हैं। वहीं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि विगत कई महीनों से हम भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, उसी क्रम में हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा ये बताएं कि क्या आशा अपेक्षा रखते हैं इस बार जो 5 साल की सरकार होगी योगी आदित्यनाथ में, से क्या आशा अपेक्षा है, क्या ऐसे काम किए जाए? जी मैं बनू भारद्वाज पुजावा से आया हूँ, और योगी जी की जो नीति है वो एकदम साफ और स्वच्छ है, जो काम करते हैं वो एक जातिवादी और उस समय नहीं करते हैं, वो केवल काम तो काम, योगी जी का जैसा नाम है वैसा काम है। और डबल इंजन की जो सरकार बताते हैं मोदी जी और योगी जी का, एक दोनों का एक सही तालमेल चल रहा है, इसमें प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि ऐसे ही मतलब आगे उत्तर प्रदेश को एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने का काम करेंगे। अच्छा 2024 का चुनाव नजदीक है, तो वहीं बताया जा रहा है कि 2022 का चुनाव सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा था, तो क्या कहेंगे इस 2024 को लेकर, और जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसमें, उस पर आप क्या कहेंगे? उसमें कहना क्या है भैया, जैसे 2022 में बाबा आए हैं वैसे ही 2024 में मोदी जी आएंगे, और ये हमारे धरती में बताते रहे कि एक अवतार रूप हैं योगी जी, माननीय मोदी जी अवतार रूप हैं, जो हमारे यहाँ गंगा जल धरती वायु सबको वातावरण को अच्छा रखते हुए प्रकृति से किसी तरीके कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, एक अच्छी सरकार चल रही है। बाबा जब सांसद जी थे तो लोग कहते थे कि आग लग जाएगी, बाबा को मुख्यमंत्री बना दोगे, बाबा दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं, कहाँ आग लग रही कहाँ क्या, लोग घर जल रहे हैं, जिनके लड़के बेवतन हुआ करते थे आज उनके लड़के वतन के हो गए हैं, बहुत से मुसलमानों में देखिए जिनके पान की दुकान करते थे ठेला लगाते थे उनको यहाँ पे आवास मिला है, उनको रहने के लिए उनको वतन का रखवाला बनाया गया, उनको घर वालों घर राज दिया गया, यही सब है। जी तिस्ला आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम कार्यकर्ता अपने विचार बता रहे हैं, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो संगठन के तमाम नेता हैं वो भी धीरे धीरे मौजूद हो रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि लोक भवन में कुछ ही समय में जो योगी सरकार 2 की पहली कैबिनेट बैठक आज लोक भवन के अंदर में होगी, जिसमें धीरे धीरे नेताओं का जमावड़ा शुरू होते जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो आज के शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो कार्यकर्ताओं का जोश था वो धीरे धीरे जो उनके नेता थे उनके चहेता थे उनके आवास के बाहर वो जाकर होली दिवाली जैसा, मानो कि होली दिवाली है ऐसा वो त्योहार मना रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैनपुरी में करहल टाउन से हम, मैनपुरी से करहल, क्या करहल से हम चेयरमैन हैं। और क्या कहेंगे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री तौर पे शपथ लिए हैं, कैसे देखते हैं? संजीव यादव मेरा नाम है, आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे दीपावली योगी जी ने शपथ ली है, राम राज्य की तरह हम सभी लोग मना रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना कि
27 में फिर हमारी ही सरकार है और प्रचंड बहुमत के साथ है। आप अपना नाम बताएं। मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी का, प्रदीप सिंह। अच्छा, आपकी सरकार फिर रिपीट हो गई और योगी आदित्यनाथ सूबे के फिर से मुख्यमंत्री बन गए, क्या कहेंगे? जन भावनाओं का प्रकटीकरण है। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी के सेवा के कार्यों को, भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय के कार्यों पर मोहर लगाई है। गांव, गरीब, माताएं, बहनें, युवा, इनकी सबके जो जीवन को सरल करने के लिए और इनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को और अच्छा किया जाए, इसके लिए जनता ने जन समर्थन दिया है। आज सरकार संवैधानिक रूप से पुनः सत्ता में आई है, सभी जगह हर्षोल्लास है। अच्छा, अगर बात की जाए तो आप सामाजिक तौर पे सक्रिय हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आप अपने जिले में तमाम चीजों को देखते हो, साथ ही साथ प्रदेश भर में देखते होंगे, तो ऐसे क्या काम को सरकार को इस बार करना चाहिए जो प्रमुखता से जो पिछली सरकार में नहीं? सरकार ने नहीं, ऐसा है ना, कोरोना काल रहा 2 साल का, समय कम मिला, ये बात सही है। जो ढांचागत सुधार किए गए हैं रोड कनेक्टिविटी को लेकर के, शहरों में अंडरग्राउंड अपना जो एलपीजी गैस उसको लेकर के, हर घर नल जल योजना, ये सारी योजनाएं और चलेंगी। सारा जो लोक कल्याण के लिए पहले से काम चल रहे हैं वो होंगे, जो लोक कल्याण संकल्प पत्र सरकार का उसके ही सरकार अमल करेगी। अच्छा, विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है पूरे चुनाव में, रोजगार छुट्टा जानवरों को लेकर, उस पर क्या? आप ये तो जनता ने बता दिया ना, जब जन समर्थन आ गया, मैंडेट आ गया, तो विपक्ष क्या उस पे काम किया जाएगा? क्या उस पे काम किया जाएगा? अरे वो तो जब प्रधानमंत्री ने कह दिया मन से, तो उससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता है देश के भी, भाजपा के भी। जी, तो पिछला आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, साथ ही साथ अलग जगहों से कार्यकर्ता आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सैफ्रॉन जो कि भगवा कलर के बैलून भी लगाए गए हैं, वहीं आप देख सकते हैं पूरे गेट बना दिए गए हैं। यहाँ भी कार्यकर्ताओं के जो जमावा धीरे धीरे आता जाए, वहीं आपको बताएंगे कि अपना दल जो कि भाजपा के सहयोगी दल के तौर पर अपना दल एस रही, तो आपके जो आपके नेता हैं आशीष पटेल, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, क्या कहेंगे? माननीय आशीष पटेल जी, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपनों को साकार करने के लिए जो धरातल पे मेहनत कर रहे हैं, और उनकी इस असीम स्नेह से अनुप्रिया पटेल जी जो कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जितनी तैनाती से योगी जी, मोदी जी और जेपी नड्डा के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में देश के लिए कार्य कर रही, वह ऐतिहासिक कार्य हमारे मिर्जापुर जनपद के लिए तो शान की बात है। मैं इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय योगी जी की कृपा से, माननीय मोदी जी की कृपा से पशुपालन के तहत मिनी कामधेनु योजना का अनुदान अब जारी हो जाएगा। कोई कलेक्टर, कोई पशु चिकित्सा अधिकारी इसमें हीला हवाली नहीं कर सकता, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिन कलेक्टरों ने तानाशाही अपना करके किसी भी लाभार्थी के साथ अन्याय किया है, उनका अनुदान रोका है, इस सत्र में मिनी कामधेनु योजना का अनुदान अवश्य जारी कर दिया जाएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। चाहे किसान ने मानक को पूरा किया हो या मानक को न पूरा किया हो, अगर उसने कर्ज भर दिया है तो यह सम्मान का विषय है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत को राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है, पशुओं के प्रति निष्ठा दिखाई है, गौपालन के प्रति सम्मान किया है, तो ऐसे लाभार्थियों का अनुदान अवश्य माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की असीम कृपा से जारी हो पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आशीष पटेल जी हर क्षण अपना दल की लड़ाई लड़ते हैं और हर एक कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। जी तिस्ला, आप देख रही है कि यहाँ पे भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस के भी कार्यकर्ता मौजूद है जो कि आज के जश्न में सम्मिलित है, वहीं और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना नाम बताएं और कहां से आए हैं? मेरा नाम प्रमोद तिवारी है और मैं साहिबाबाद विधानसभा से आया हूं, गाजियाबाद से। अच्छा, इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उसको संभाला है, कैसे देखते हैं और क्या सरकार से आशा अपेक्षा है? आशा अपेक्षा यही है बाबा जी का दोबारा, पूरी जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ बाबा जी को दोबारा चुना है और आज प्रभु श्री राम जी की कृपा से बाबा ने दोबारा शपथ ग्रहण भी कर लिया है। और पिछले 2-3 सालों में जितना कार्य हुआ, क्योंकि 2 साल तो आप सबको पता कोविड की वजह से उसमें निकल गया, लेकिन जो समय मिला उनको और जितना कार्य किया गया है, अब समय आ गया है और बेहतर काम करेंगे प्रदेश में और अच्छा विकास होगा और बाबा का बुलडोजर जोर से चलेगा। आप क्या कहेंगे? सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास इसी तर्ज पे पिछले 5 साल से कार्य हो रहा है, आगे भी कार्य होता रहेगा। गुंडा माफियाओं के खिलाफ बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा और वह हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि यह सुशासन की सरकार है, सुव्यवस्थित सरकार है, युवाओं की सरकार है, शिक्षित और शिक्षाविदों की सरकार है। इसमें सभी का सम्मान होता है, चाहे वो कामगार हों और चाहे मजदूर हों और चाहे सफाई कर्मी हों और चाहे शिक्षाविद हों। इसलिए इससे अच्छी सरकार अभी तक न तो कोई देने वाला है न तो कोई दिया है। आगे भी हम सब मिल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते रहे। अच्छा, ये बताएं कि अभी तमाम चेहरों को मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया, जिसमें युवा है और आपके चाहे बात की जाए तो अफसर है, चाहे बात की जाए तो जमीन से जुड़े तमाम कार्यकर्ता जो कि विधायक बन के आए थे, उन्हें एक अहम जिम्मा दिया गया है, तो क्या आशा अपेक्षा रखते हैं मुख्यमंत्री और मंत्रियों से? सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी आस्था और विश्वास उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी माननीय आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बातों को ध्यान रखते हुए, उनके कामों को ध्यान रखते हुए, सुशासन को ध्यान रखते हुए पूर्ण बहुमत की 37 साल के बाद ये सरकार रिपीट हुई है। मैं पूरे प्रदेश की सभी जनता को सहृदय धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक आपने मंत्रिमंडल में मंत्री की भूमिका की बात की है, तो यहाँ पे सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ काम होता है। हर वर्ग के, हर समाज के तबके को साधने का काम किया गया, शिक्षित लोगों को मंत्रिमंडल में रखने का काम किया गया है, सुशासन जिससे कायम रहे और प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश को हमें देश के उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाना है, उस स्थिति को, उसको धरातल पर लाने के लिए युवा चेहरे के साथ अनुभवी लोगों को भी मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। जी तिस्ला, आपको बता दें कि यहाँ जी विभांशु, ये बिल्कुल बात हो गई, दूर दूर से जो कार्यकर्ता है वो शपथ ग्रहण के समारोह के दिन भी आए हुए हैं, उनमें खुशी है क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत भी किया है जिससे भी वो सपोर्ट कर रहे थे। वही अगर बात किया जाए विभांशु मंत्रिमंडल की, तो मंत्रिमंडल में जो महिलाओं को थोड़ी जो कम भागीदारी मिली है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे विभांशु? हमारे संवाददाता विभांशु इस वक्त मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और लगातार जिस तरह से जैसे ही मंत्री मंडल का शपथ ग्रहण हो गया है सभी जो कार्यकर्ता है उनमें एक अलग ही खुशी की लहर देखने को मिल रही है, सभी खुश है, जिससे जिन्होंने भी समर्थन दिया था सभी अपने समर्थन दिए हुए नेता के लिए खुश है और इस वक्त एक जश्न का माहौल भी आप कह सकते भारतीय जनता पार्टी के बाहर। हालांकि एक मत गणना के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी में एक जश्न का माहौल है, योगी सरकार दोबारा से रिपीट कर गई है, योगी सरकार 2.0 इस बार एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। वहीं अब पहली जो मीटिंग है वो मंत्रिमंडल की होने जा रही है शपथ ग्रहण समारोह के बाद, भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग होगी। और देखना यह होगा कि अब किस तरह से जो भी नवनिर्वाचित मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभालते हैं और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो किस तरह से अपने आगे के जो 5 साल है उसके कार्यकाल को संभालते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।